पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 32 लाख रुपए के माल के साथ 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। पुलिस को इनके पास से पेंट के डिब्बे, पशु आहार के बोरे और रोजमर्रा की चीजें बरामद हुई हैं। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर का है, जहां पर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण उदय शंकर ने प्रेस वार्ता पर मामले का खुलासा किया है। पुलिस को गैंग के सदस्यों से रोजमर्रा का सामान बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग घूमर लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और सामान भी ऐसा चुराते थे जो आसानी से बाजार में बिक जाए। पुलिस लगातार ऐसे गिरोह की तलाश में थी, क्योंकि मुरादाबाद में 3 घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी परेशान थी। पुलिस ने एक साथ 4 घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इंटेलिजेंस विंग और थाना भगतपुर की टीम ने संयुक्त रूप से प्रयास करके नकबजनी की 4 घटनाओं का खुलासा किया है। इनमें एक घटना जनपद रामपुर की है और 3 घटनाएं जनपद मुरादाबाद से संबंधित हैं। ये एक संगठित गिरोह है। इनके पास 2 कैंटर ट्रकें हैं, 1 मोटरसाइकिल है, जिसको घटना में ये उपयोग किया करते थे, और घटना करने के लिए टारगेट के रूप में इन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया कि ये खाद की बोरियां, चोकर और पशु आहार, इस प्रकार के सामान की नकबजनी करने का कूमर लगाकर टारगेट बनाते थे, जिससे वह तत्काल जनता के बीच में बिक जाए और बेचने में किसी को शक भी ना हो। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके अभी अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। इनके पास से क्या क्या बरामद है? इनके पास से जो नकबजनी के खाद के बोरियां हैं, वो खाद बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक सरकारी शराब के ठेके से वहां पे शराब के पैकेट्स वहां से चोरी किए थे, वो बरामद हुए हैं। जो घटना में ट्रक इस्तेमाल होती थी वो बरामद हुई है, और मोटरसाइकिल जिससे यह रैकी किया करते थे उसको पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त एक पेंट की दुकान से इन्होंने सैकड़ों की संख्या में पेंट की बाल्टी व डिब्बे चोरी किए थे, वह बरामद हुआ है। तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके 6 साथी अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास जारी रखे हुए हैं।